रफ रफ टाइप से जाते हैं, तो मैं ट्राई जा यार तू जल्दी, देख रहा है मेरे को पागल था। मॉर्निंग रूटीन रन करने के बाद यहाँ मैंने बनाया था घिया का रायता सबके लिए, लंच के लिए मॉर्निंग में बना दिया था क्योंकि रायता ठंडा ठंडा खाने में बड़ा मज़ा आता है, बना के फ्रिज में रख दो ठंडा ठंडा खाओ, गर्मी के टाइम में बहुत ही यम्मी लगता है खाने में। तो यहाँ पर मैंने जो घिया था इसको बॉईल कर दिया, उसको मैश कर दिया, अब उसके अंदर डाल दिया है जो दही होता है वो फेंट के, और नमक डाल दिया इसके अंदर, आप काली मिर्च जीरा पाउडर जो भी स्पाइसेस आप रायते में पसंद करते हो वो डाल सकते हैं, हम सिर्फ नमक और हरी मिर्ची डालते हैं, थोड़ी सी लाल मिर्ची डालते कभी कभी, और लगा दिए हींग जीरे का तड़का, बन के रेडी हो गया है। इसको धनिया डाल दिए, फ्रिज में डाल दिया था, अब आफ्टरनून में खाएंगे हम ठंडा करने के बाद, और गर्मियाँ स्टार्ट होती है बड़ा मज़ा आता रहता खाने में। इसको हमने खाया था गोभी आलू की सब्ज़ी और चावल के साथ, यम्मी यम्मी, चलो खा लेती हूँ फिर मिलती हूँ आपको। शुक्रिया जो लोग देखते लाइक करते शेयर करते हैं, एंड जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब किया उन सभी प्यारे से लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। तो आज का वीडियो ब्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया है, घंटे बज रहे हैं 12:30, जैसा आपको पता है इसी पर मेरा ब्लॉग स्टार्ट होता है। तो अभी जस्ट काम वाम थोड़ा बहुत किया है, बच्चों का खाना पीना बनाया है, उसके बाद में मैं नहा धोकर यहाँ बैठी हुई थी क्योंकि आपको पता है मैं अपने जब भी हेड वॉश करती हूँ तो मैं इसी प्लेस पर आके बैठती हूँ ताकि मेरे जो बाल हैं वो थोड़े से सूख जाए, क्योंकि ड्रायर मारने से मेरे बाल बहुत ऐसे रफ रफ ड्राई ड्राई से हो जाते हैं। तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं नेचुरल लाइट के साथ में, नेचुरल गर्मी के साथ में इनको ऐसे ड्राई करूँ, तो वही कर रहे थे। तो सोचा व्लॉग भी स्टार्ट कर देते हैं, वहाँ पर लाइट भी अच्छी आ रही है, थोड़ी सी वीडियो आपका जो वेलकम है वो सुंदर तरीके से अच्छे तरीके से कर देते हैं, बाकी दिन तो फिर वही है। तो अंदर हमारे बहुत ज़्यादा ऐसे लाइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है क्योंकि पूरे घर में लाइट जला के रखनी पड़ती है, हमारे घर में अंधेरा बहुत रहता है, मतलब नेचुरल लाइट ना कहीं से आती नहीं क्योंकि घर ना बहुत लंबा है इस करके। तो अभी चलो स्टार्ट करते हैं, अभी मैं जाने वाली थी अंदर तो मैंने सोचा व्लॉग स्टार्ट कर देती, और यहाँ ये आके बैठ गई है मैडम जी मेरे बगल में, मैं अगर यहाँ बैठी तो सारे यहाँ बैठेंगे, मैं ऊपर जाऊँगी तो सारे ऊपर जाएंगे, मतलब ऐसा लगता ना यहाँ बैठो कंधों पे मेरे सारे के सारे, और शांति से बैठते हुए जो आएगा जाएगा उसको भोंकना स्टार्ट कर देते हैं कि हमारे घर के आगे से क्यों निकल रहा है, इनके घर के आगे से कोई निकलना ही नहीं चाहिए, ऐसा बदतमीज है। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं, अभी इनका खाना पीना बना दिया है बच्चों का, बस खाना पीना देना है वो देखकर फिर मैं सोच रही हूँ वीडियो एडिट करके, अभी आज वाला वीडियो अपलोड कर दिया है एडिट करके, और एक और वीडियो है जो एडिट करना है डीआईवी वाला, तो मैं ये सोच रही हूँ कि वीडियो एडिट करके 3:30 बजे करीब मैं जाऊँ मोना के घर, क्योंकि बहुत दिन से मैं गई भी नहीं हूँ और आंटी मुझे बहुत टाइम से बुला रहे थे, आंटी को कुछ काम था, और कब्बों के घर भी जाने का सोचा है आज कि अगर टाइम लगा तो कब्बों के घर भी जाऊँगी, क्योंकि आंटी का भी फ़ोन आया था, आंटी से बात भी नहीं हुई काफ़ी टाइम से, और आंटी के घर भी नहीं गई, तो मैं सोच रही हूँ कि आंटी के घर चले जाऊँ, दोनों आंटी के घर चले जाऊँ, मिल के आ जाऊँ दोनों आंटियों से, क्योंकि मिल के आ जाऊँ, बहुत टाइम से गई नहीं हूँ और आंटी लोग दोनों सोचेंगे कि मैं कितनी गंदी हो गई जाती नहीं हूँ। मैं जाऊँ कैसे यार, पीएफ के चक्कर में इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब है ना, पीएफ आज कितने दिन हो गए, एक हफ्ता हो गया ना, आज भी मैंने पता नहीं कितने लोगों को कॉल किया कि मेरा पीएफ का काम करने के लिए मुझे बता दो मैं क्या करूँ क्या करूँ, बट कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा है यार, कहीं से समझ ही नहीं आ रहा है कैसे करना है, जो जिसको भी फ़ोन करो सब बोलते हैं स्कूल में जा करके आप बात करो, और स्कूल वालों को फ़ोन करो तो कह रहे आज करेंगे कल करेंगे आज करेंगे कल करेंगे, आज भी मंडे से मैं कॉल कर रही हूँ अब उन्होंने बात मंडे पर डाल दी क्योंकि सैटरडे संडे ऑफ होता है, तो बस इसी के चक्कर में बहुत ज़्यादा से दिमाग ख़राब हो जा रहा है, तो मैं ना ही नहीं जा पा रही हूँ ना ही मैं कुछ और काम कर पा रही हूँ, क्योंकि दिन में 20-30 कॉल मुझे करनी पड़ रही है लोगों को बार बार रिमाइंड कराने के लिए कि आप मेरा काम कर दो, वो लोग फ़ोन भी नहीं उठाते हैं, मेल करनी पड़ रही है बार बार ही, तो इस करके ना बहुत ज़्यादा ऐसे बिजी हो गया है। तो आज फाइनली सोचा है फाइनली सारा काम छोड़ के आंटी लोगों से मिल के आऊँगी क्योंकि बहुत टाइम हो गया गई नहीं हूँ और आंटी लोग गुस्सा जाएंगे इसलिए, तो चलो चलते हैं बच्चों को खाना पीना देते हैं फिर निकलते हैं आंटी के घर के लिए, और आपको फिर मिलवाऊंगी आंटी लोगों से। 2000 years later. तो अभी हो गया है टाइम 3:30 से ज़्यादा हो गए, अब मैं जा रही हूँ, मैंने आपको जैसे बताया था दोपहर में मोना के यहाँ खाना पीना सब हो गया है, वीडियो वगैरह भी जो भी डाली थी आज की
5 बजे वाली सब अपलोड कर दी है। और अभी हम जा रहे हैं, दोनों आंटी से मिल पाएंगे, एक आंटी से मिल पाएंगे, दोनों से मिलना हुआ तो दोनों से मिल लेंगे, एक से मिलना हुआ तो एक से मिल लेंगे, जो भी होगा आपको दिखा देंगे। अभी मैं पैदल, ये देखो इनको बाहर आए नहीं, ये पीछे लग जाएंगे सारे के सारे। तो मैं गई थी, आप सोचो दोबारा से उसी बैकग्राउंड में कैसे आ गई मैं, तो मैं गई थी, आंटी का कुछ सामान मेरे पास था वो मैं भूल गई थी, जो आंटी जो जिसकी वजह से मेन में जा रही हूँ वही सामान भूल गई, तो वो सामान दोबारा लेने गई। अभी दोबारा निकल गई मैं बाहर, मैंने हेयर कॉम भी नहीं करे हैं, कुछ भी नहीं करा क्योंकि टाइम ही नहीं मिला, इसलिए बच्चों का खाना भी नहीं किया, फिर डायरेक्ट वीडियो एडिट करके डाली है छोटी वाली, देन मैं निकल गई बाहर क्योंकि फिर टाइम हो जाएगा, शाम को टाइम से घर आना है, शाम को टाइम से घर आना है क्योंकि मम्मी को जाना है, टाइम से मम्मी ने पहले बोल दिया था कि टाइम से घर आना है, ज़्यादा लेट नहीं करना, तो इस करके मैं निकल गई हूँ। चलो अभी जाते हैं, आंटी से सीधा मिलवाऊंगी, अब सीधा आंटी के घर जाके मिलेंगे, ठीक है जी। तो मैं मोना के यहाँ आई थी और मोना के घर लॉक लगा हुआ है, मतलब वो लोग आई गए गए होंगे कहीं पे, कभी इवनिंग में घूमने गए होंगे या फिर शादी वादी में कहीं गए होंगे। मैंने फ़ोन किया था मोना को, मोना ने फ़ोन नहीं उठाया, मुझे लगा फिर सो रही होगी, स्कूल से आ जाती है, वर्किंग है वो, तो मुझे लगा सो रही होगी, आंटी का फ़ोन लगा नहीं। और मैंने आंटी को परसों फ़ोन किया था तो आंटी ने बोला किसी भी दिन आ जाइए, मैं घर पे हूँ, मैं कहाँ जाती बेटा, मैं तो घर पे रहती हूँ, और मैं अभी घर आई हूँ और आंटी घर पे नहीं थी, अब मैं वापस जा रही हूँ घर, देखती हूँ कब होगी घर जाऊँगी आंटी से मिलने के लिए, अगर आंटी घर पे हो तो, क्योंकि आंटी इवनिंग में घूमने जाते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में वॉक के लिए, तो अभी पहले फ़ोन करती हूँ आंटी को, अगर आंटी घर पे हुए तो कब होगी घर चलेंगे, नहीं हुए तो डायरेक्ट घर चलेंगे और फिर घर जाके जो भी काम वगैरह है वो करेंगे। तो चलो आंटी के पहले फ़ोन कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ आंटी ने क्या बोला, ठीक है जी। सो लोगों, मैंने अभी आंटी को फ़ोन किया दो बारी, बट एक बार आंटी को फ़ोन लगा नहीं, एक बार आंटी को फ़ोन लगा तो आंटी ने फ़ोन अभी उठाया नहीं, तो अब मैं डाउट पे हूँ मैं आंटी के घर जाऊँ या नहीं जाऊँ, बट मैं उस गली में कैसे मुड़ चुकी हूँ, तो मैं सोची एक बार देखते हुए चले जाती हूँ आंटी है या नहीं है घर पर, क्योंकि बाहर आई हूँ तो मिली लूँ यार, मैं सोच रही हूँ आंटी है घर पे, क्योंकि आंटी का फ़ोन कई बार साइलेंट हो जाता है अपने आप, तो आंटी का पता चलता है कि कोई फ़ोन कर रहा है या नहीं कर रहा, तो मैं उसी गली से निकलूँगी क्योंकि मेरा घर भी वहीं से आता है, तो मैं उसी गली से निकलूँगी, मतलब आता नहीं है बट उस गली से जाएंगे तो मेरा घर आ जाता है, तो मैं सोच रही हूँ उसी गली से निकल जाती हूँ अपने घर के लिए, अगर आंटी होंगे तो मिल लेंगे, नहीं होंगे तो उस गली में साईं बाबा का मंदिर है, साईं बाबा के दर्शन करते हुए घर निकल जाएंगे अपने, बाकी फिर कल वल को देखेंगे, जब टाइम लगेगा तब आके मिल लेंगे आंटी से, तो चलिए देखते हैं चलते हैं। अरे बच्चों को देखो क्या कर रहे हैं, तो गली में लेटा हुआ रो रहा है, पता नहीं किस लिए रो रहा है, मतलब वो समझ नहीं आता है यार, ये ऐसे बच्चे ना हमारे लोगों के बच्चे ऐसे इतने जिद्दी होते हैं, और भाई टीवी में देखो जरा जरा से बच्चे ढाई ढाई तीन तीन साल के बच्चे DID में आ रहे होते हैं और सिंगिंग वाले कॉम्पिटिशन्स में आ रहे होते हैं, भाई कौन से बच्चे होते हैं, क्या खाते होंगे माँ बाप, मेरे को बताओ यार, सबको बताओगे ना वो खाया करो तुम, ये देख मैं पीछे लगा और रोड पे लेट गया भाई, इतनी गंदी तरह से गिरा भट्ट से नीचे और रोना से गिरा भट्ट से नीचे और रोना स्टार्ट कर दिया इसने, मैं मतलब हद्दी है यार, क्या खाते होंगे यार उनके मम्मी पापा, इतने अच्छे इतने टैलेंटेड बच्चे पैदा होते हैं। चलो यार पहले मैं वहाँ चलती हूँ, ये तो बात की बात है, बाद में सोचेंगे कितने क्या खाया है, चलो मिलते हैं फिर आंटी के घर जाके। तो जी अभी मैं आ गई हूँ अपने घर के ये वाले एरिया में जहाँ आते हैं बच्चे घूमने के लिए, कबों के घर गई, कबों के घर से होते हुए निकली थी बट आंटी थे नहीं, एज यूजल आंटी घर पे नहीं थे, और फिर मैं अपने मतलब सीधा घर के लिए निकल गई, मंदिर में भी नहीं गई मैं क्योंकि अंधेरा हो गया था और बच्चों के घूमने का टाइम हो गया था, फिर मैंने कहा मम्मी अकेले परेशान हो जाएगी, और मंदिर में इस टाइम आरती होती है, फिर आरती ना पूरी कंप्लीट करके आना पड़ता है, बीच में छोड़ के आने का मन नहीं करता, एक डेढ़ घंटा लग जाता है आरती में, मैं अगर घर ही चलते हैं, तो मेरी मम्मी बच्चे लेके, मम्मी और दीदी बच्चे लेके आ गए थे, तो मैं फिर सीधा डायरेक्ट यहीं आ गई, ये देखो सारे घूम रहे, एक ये रहा एक ये रही एक ये रहा ये रे ये रे, तो सारे बच्चे आ चुके हैं यहाँ घूमने के लिए, घूम भी लिए, मम्मी भी है यहाँ पे बहू बन के खड़ी, मम्मी हेलो बोलो, हेलो गाइज, मेरी बहन डॉगी को घुमाने लाए, हेलो गाइज, हेलो गाइज,
मम्मी मम्मी प्यार प्यार में सबको खोल देती गले से, सबका पट्टा खोल देगी, है बच्चे खेले क्या है बच्चे, और फिर भाग बच्चे ना भाग लेते पागल बना लेते मम्मी को। तो मैंने कहा चलो चलते हैं जी, तो आ गई हूँ अब मैं जा रही हूँ बच्चों को, मतलब यहाँ घूमेंगे थोड़ी देर फिर जाएंगे घर बच्चों को लेके, और फिर घर में अगर कुछ हुआ करने लायक दिखाने लायक तो दिखाएंगे खाना पीना, नहीं तो करेंगे व्लॉग को एंड। तो चलो जी चलते हैं, तो चलो मिलते थोड़ी देर। तो लोगों आज हम ये लेके आए हैं हमारे बच्चों के खाने के लिए, क्योंकि हमारा गैस का बिल ज़्यादा आ रहा था, अब हम इंडक्शन पे खाना बनाएंगे, तो इसलिए हम ये कुकर लेके आए इंडक्शन के लिए। अरे हमारे कुत्ते लड़ते हुए कुकर कितने का बहन, 1100 रुपये ये मेरी बहन लेके आई 1100 रुपये, मेरी दीदी ने गिफ्ट करा बच्चों को, जो जो का बर्थडे था ना उसके बर्थडे के उपलक्ष्य में बनाएंगे। अब हम पहले बनाएंगे, मम्मी ने बोला दाल, हम बनाएंगे मतलब इनके लिए नहीं बनाएंगे अभी, हम इसमें दाल बनाएंगे फिर इनके लिए बनाएंगे कल दिन को चावल, क्योंकि दिन में खाते हैं ये चावल। और देखिए खुशी खुशी हो रही है खुशी, मेरी मम्मी कह रही मीठा बनाते हैं कुकर में, मम्मी हलवा तो नहीं बना सकते ना, चलो देखते हैं खीर बनेगी दाल बनेगी, एक तो इनके रीति रिवाज नहीं खत्म होते। तो लोगों अभी मैंने कुकर में चढ़ा दी है दाल, और ये हम लाल वाली दाल बना रहे हैं, और दाल बन जाती है फिर हमने बनाई थी सब्जी और रोटी, तो आज खाने में था दाल रोटी सब्जी। चलो मैं खा लेती हूँ फिर मिलती हूँ आपको ऊपर जाके। सो लोगोस अभी हम आ गए हैं, बहुत देर बाद मिल रहे हैं हम आपसे, आ जाओ बेटा। तो मैं आई हूँ अपने रूम में, और मैं बच्चों को आवाज़ दे रही थी क्योंकि घर में कोई गेस्ट आए हुए हैं, तो बच्चे लोग ऑब्वियसली गेस्ट आते तो उनको मैं अपने रूम में अपने वाले फ्लोर पर ही आती हूँ, मतलब इस फ्लोर पर ऑलमोस्ट मैं ही आती हूँ, दिन में 1-2-3-4 जितनी बार मुझे काम होता है उतनी बार यहाँ पे मैं ही आती हूँ। तो मेरे बच्चे आ गए हैं, इनको मैं बोलती हूँ राधे राधे करना, मतलब ऊपर वाले फ्लोर पे जाकर प्ले करना है या मेरे साथ बैठ के चैंटिंग करनी है। तो जब भी मैं चैंटिंग करती हूँ, मतलब करती हूँ मैं दिन में चैंटिंग किसी भी मंत्र की या राधे नाम की चैंटिंग करती हूँ, तो जब भी मैं करती हूँ तो इनको मैं अपने साथ बिठाती हूँ, और इनको पता है राधे राधे करना मतलब ऊपर जाके या तो चैंटिंग करनी है या प्ले करना है। और अगर मैं यहाँ पे भी कहीं मंत्र वगैरह लगा दूँ ना, मंत्र जैसे कई बार होता है मैं स्पीकर पे मंत्र लगा देती हूँ या राधे की चैंटिंग लगा देती हूँ, राधे नाम की चैंटिंग लगा देती हूँ मंत्र पे उस पे स्पीकर पे, तो भाई इतना खेलते हैं ऐसा लगता है कि इनको कितना मज़ा आ रहा है वो सुन आ रहा होगा ऐसे ना, ऐसा फील होता है मुझे कभी कभी जब भी मैं ऐसे ना स्पीकर पर लगाती हूँ, तो ऑलमोस्ट टाइम ये लोग इतना ज़्यादा प्ले कर रहे होते हैं भाई। तो अभी बस मैंने इनको बोला राधे राधे करो, तो सारे ऊपर आ चुके हैं, और मैं आई थी ऊपर कुछ काम करने के लिए, क्योंकि बीच में वीडियो कट कर दिया क्योंकि मैंने फ़ैन ऑफ़ किया हुआ है, वीडियो शूट करते हुए फ़ैन ऑन नहीं कर सकते, आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो मैंने अपना हेयर ऐसे टाई अप कर दिए। और अभी मैं ऊपर रूम में आई हूँ, खाना पीना हो गया सबका, और बहुत यम्मी दाल बनी थी इंडक्शन पर, पहली बार हमने दाल बनाई थी नए कुकर के अंदर, बहुत टेस्टी बनी थी वो, मैंने आपको दिखाई दी है। तो अभी ज़्यादा कुछ है नहीं करने के लिए, मैं ऊपर आई थी क्योंकि मुझे 2-3 मेल करनी है पीएफ के रिगार्डिंग, जैसा आपको पता है आजकल मैं पीएफ का बहुत ही ऐसे पीछे पड़ गई है स्कूल वालों की कि मेरा पीएफ निकाल दो, मतलब जो भी एरर है स्कूल की तरफ से वो क्लियर कर दो, तो वो लोग नहीं कर रहे हैं, तो मैं आजकल 3-4 बार उनको मेल कर रही हूँ, ताकि रात को भी कर रही हूँ ताकि वो सुबह अपना सिस्टम खोले या फ़ोन खोले तो उनको पता हो कि मेरी मेल आई है, ताकि वो थोड़ा सा काम करे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इरीटेट हो गई मैं पीएफ करते हुए, काम ही नहीं कर रहे। कब लास्ट मैंने मार्च में अप्लाई किया था फर्स्ट टाइम, आई गेस मार्च या फेब में अप्लाई किया था, और अभी आप देख लो क्या चल रहा है, अप्रैल आ गया कोई रिस्पांस नहीं है, करेंगे 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 पता नहीं कब करेंगे, भगवान मालिक है कब करेंगे। तो बस वो मेल वगैरह करनी है, और थोड़ा बहुत काम है जो थोड़ा सा पर्सनल काम है वो करूँगी यहाँ बैठ के, जो मैं अभी नहीं दिखा सकती ना बता सकती हूँ, क्योंकि जब वो काम हो जाएगा जिस काम पर मैं काम कर रही हूँ वो कम्प्लीट हो जाएगा, तो मैं आगे वाले व्लॉग्स में ज़रूर बताऊँगी आपको कि मैं किस बारे में बात करती हूँ, कि मुझे अपना पर्सनल काम करना है, कौन सा ऐसा पर्सनल काम है जो मैं करती हूँ जो मैं बता नहीं सकती, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं और उनका अच्छा नहीं लगेगा कि मैं आशा में कुछ कर रही हूँ ऐसा करके नहीं बता रही हूँ। तो चलिए आज जो भी मैंने शेयर किया है, जो भी मैंने किया था, मैं लगाऊंगी मिठाई, तो
चलिए आज की व्लॉग को यही एंड करते हैं। मेरे बच्चों ने भागना स्टार्ट कर दिया, पता नहीं क्यों। इस व्लॉग को यही एंड करते हैं। जो भी मैंने दिन में किया था वो आपको सब सारी चीज़ शेयर की आई हो भी वीडियो ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड मिलते हैं कल एक न्यू डे एक न्यू ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए टाटा बाय।